Assalamu alaikum, I am Aisha and welcome to my channel Learn to Lead. इंग्लिश ऐसे राइटिंग देख रहे हैं फॉर सीएसएस एंड पीएमएस और ये सीरीज की लास्ट वीडियो है जिसमें हम लोग आज कंक्लूडिंग पैराग्राफ का स्ट्रक्चर सीखेंगे. इससे पहले जितनी भी मैं वीडियोस बना चुकी हूँ, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप पहले उन वीडियोस को देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो पे आइएगा, तब आपको कंक्लूडिंग पैराग्राफ का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाएगा. और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको बाकी सारी की सारी आने वाली लेक्चर सीरीज का नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको उसका फायदा हो सके. तो देखते हैं कि कंक्लूडिंग पैराग्राफ इंग्लिश ऐसे का किस तरह से लिखा जाता है. इसमें भी जिस तरह से मैं आपको बॉडी पैराग्राफ वाली वीडियो में बता चुकी हूँ, टॉपिक सेंटेंस होगा सबसे पहले जो कि स्टार्ट टॉपिक सेंटेंस से ये पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा होगा. लेकिन इस पैराग्राफ को स्टार्ट करने से पहले जो आप कनेक्टिंग वर्ड यूज करेंगे वो इस तरह से होना चाहिए कि एग्जामिनर को सामने पता लग जाए कि हाँ, अब द एसे इज मूविंग टुवर्ड्स कंक्लूजन. ठीक है, अब वो किस कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं? वो हो सकता है टू कंक्लूड, या फिर आप लिख सकते हैं हैविंग सेड ऑल दिस. या फिर आप देख सकते हैं फाइनली, या फिर इन द एंड. देखें, ये वर्ड जब आप यूज करते हैं तो पता लगता है ना कि आप अपनी बात कंप्लीट करने जा रहे हैं. ठीक है, तो इसी तरह से आपने कंक्लूडिंग पैराग्राफ के स्टार्ट में भी जब ये वर्ड्स आप लिखेंगे तो एक तो वो जो कोहेजन वाली बात मैं आपको बताती हूँ वो कोहेजन मेंटेन रहेगी. ठीक है, कोहेरेंस मेंटेन रहेगी आपके ऐसे के अंदर, और दूसरी तरफ एग्जामिनर को आइडिया हो जाएगा कि ऐसे जो है वो कंक्लूजन की तरफ मूव कर रहा है. ठीक है, अगर आप ये इन पैराग्राफ से अपने कंक्लूडिंग पैराग्राफ को स्टार्ट इन वर्ड से नहीं करोगे तो ऐसे भी खत्म हो जाएगा और एग्जामिनर सोचता रहेगा कि ये क्या, ये कंक्लूड हो गया, मतलब मुझे तो पता ही नहीं चला कि कंक्लूडिंग पैराग्राफ कब शुरू हुआ. ठीक है, तो ये वर्ड्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं कनेक्ट करने के लिए और एग्जामिनर को ये बताने के लिए कि अब आपके ऐसे टुवर्ड्स कंक्लूजन मूव कर चुका है. ठीक है, उसके साथ आप फिर सपोर्टिंग सेंटेंसेस लिखेंगे. अब ये सपोर्टिंग सेंटेंसेस जो आप लिखेंगे वो आप बैकवर्ड व्यू लेते हुए लिखेंगे. मतलब बैकवर्ड व्यू का क्या मतलब है कि अब आप पीछे देखेंगे कि इससे पहले मैं क्या बातें कर चुका हूं अपने ऐसे में. ठीक है, तो अब आप वो चीजें यहाँ पे मेंशन करेंगे. ठीक है, वो चीजें आप मेंशन करेंगे तो आप सारा कुछ लिखेंगे कि हाँ, क्योंकि मतलब अब कंक्लूडिंग वर्ड्स के साथ कि ये बातें मेंशन की गई हैं. ठीक है, मतलब वो पास्ट, थोड़ा सा पास्ट टेंस का वो लुक दे रहा होगा ताकि पता लगे कि हाँ, इससे पहले आप वो बातें कर चुके हो. ठीक है, तो उन्हीं को आप थोड़ा सा समराइज वे में मेंशन कर रहे हो. ठीक है, और साथ ही साथ थीसिस स्टेटमेंट, यहाँ पे भी थीसिस स्टेटमेंट का रिफ्लेक्शन नजर आना चाहिए कि जो आपने शुरू में स्टांस लिया था अब आप उसको प्रूफ कर चुके हो. ठीक है, और अब आपकी बात जो है कंप्लीशन की तरफ जा रही, इसलिए थीसिस स्टेटमेंट का भी यहां पे एक रिफ्लेक्शन आएगा. ठीक है, एग्जैक्टली उन वर्ड्स में थीसिस स्टेटमेंट नहीं आएगी, उस थीसिस स्टेटमेंट का रिफ्लेक्शन आएगा कि पता लगे कि आपका स्टांस क्लियर हो चुका है और आपका स्टांस जो है वो कंक्लूड हो चुका है, प्रूव हो चुका है. ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन और कंक्लूजन सेंटेंस का, जैसे मैं पहले आपको बता चुकी हूं, देयरफॉर या दस या इस तरह के कनेक्टर्स लगा के आपने कंक्लूजन को लिखना है. ठीक है, तो उसके बाद जब आप कंक्लूजन लिख लोगे तो ये पैराग्राफ आपके जितने भी बॉडी पैराग्राफ्स हैं उनसे थोड़ा सा ज्यादा होगा लेंथ में, लेकिन उतना ज्यादा नहीं होगा जितना आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है. ठीक है, बताने का मकसद ये है कि क्योंकि आप कंक्लूड कर रहे होगे और आप ये सब भी देख रहे होगे कि आप इससे पहले क्या कह चुके हो, तो आप ये बात मत सोचिएगा कि अब आपका पैराग्राफ लेंथी हो रहा है. ये नेचुरली लेंथी होता है एज कम्पेयर टू बॉडी पैराग्राफ्स. ठीक है, बाकी जो चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, कोहेरेंस, कोहेजन और लैंग्वेज, यही सब आपके इंग्लिश ऐसे के अंदर चेक हो रही होती है. देखिए, कोहेरेंस और कोहेजन के मैं आपको बता चुकी हूँ विद इन द पैराग्राफ में, मैं आपको बॉडी पैराग्राफ के स्ट्रक्चर में बता चुकी हूँ कि आप किस तरह से कोहेरेंस कोहेजन मेंटेन करोगे ताकि वो कनेक्टिविटी और वो एक यूनिटी आपके पैराग्राफ के अंदर नजर आए, आपके आइडियाज बिखरे हुए ना हो. ठीक है, और जहां तक कोहेरेंस की बात है, कोहेरेंस आपने इन बिटवीन एवरी पैराग्राफ, इन बिटवीन एवरी बॉडी पैराग्राफ, बल्कि इन बिटवीन ऑल द पैराग्राफ्स ऑफ योर एसे वो आपने शो करनी है. वो कैसे होगी? वो आप कनेक्टर्स लगा के शो करोगे. ठीक है, आप इसी तरह के वर्ड्स यूज करोगे, इन एडिशन टू, ऑल्सो, ठीक है, मोर ओवर, और इसी तरह से अलॉन्ग विद दिस. ठीक है, इन वर्ड्स के साथ आपने अपने हर एक न्यू पैराग्राफ को स्टार्ट करना है. उससे पता लगेगा कि आप पिछले पैराग्राफ्स को कनेक्ट करते हुए चल रहे हो और आपके पैराग्राफ में, आपके ऐसे के अंदर कोहेरेंस बिल्ड हो रही है. ठीक है, यही चीज आपके ऐसे के अंदर चेक हो रही होती है. उसके अलावा आपके ऐसे के अंदर आपकी लैंग्वेज जो आप यूज करते हो वो चेक हो रही होती है. याद रखिएगा, इंग्लिश ऐसे के अंदर
स्पेलिंग्स मिस्टेक्स करना ये एक ब्लंडर है, ये मिस्टेक नहीं है, ये एक ब्लंडर है, ठीक है। तो स्पेलिंग्स को स्ट्रांग रखिए, प्रैक्टिस कीजिए, और उसके अलावा वोकैबुलरी चेक होती है, ठीक है, कि आप कितनी अच्छी वोकैबुलरी यूज कर रहे हो। बहुत ज्यादा अच्छी भी वोकैबुलरी आपसे एक्सपेक्ट नहीं की जा रही होती, लेकिन फिर भी आपको अच्छी वोकैबुलरी यूज करनी होती है। वर्ड्स को सब्सटीट्यूट करते रहे, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ते रहे, आपकी वोकैबुलरी बिल्ड होगी। और इसके अलावा ग्रामर, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मत कीजिएगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आप अपनी जो है वो उन पर काम कीजिए। अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं अपनी ग्रामर को स्ट्रेंथन कीजिए। ग्रामेटिकल लेक्चर्स देने का भी मैं प्लान कर रही हूँ, तो मेरे आगे आती हुई वीडियोस में आपको ग्रामर पे भी लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। और जार्गन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखें, अगर इकोनॉमी पे कोई ऐसे है तो आपको इकोनॉमी से रिलेटेड ही लैंग्वेज यूज करनी चाहिए। आपको वहाँ उस ऐसे के अंदर आपके एग्जामिनर को नजर आना चाहिए कि आपने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात की, आपने करंट अकाउंट डेफिसिट की बात की है, आपने हॉट मनी की बात की है, ठीक है। आपको ये जार्गन्स यूज करने होंगे ताकि एग्जामिनर को पता लगे कि इसका इस टॉपिक के ऊपर एस्पायरेंट की ग्रिप है, ठीक है। तो जार्गन्स यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लैंग्वेज चेक हो रही होती है। तो ये सब की सब चीजें आपको साथ साथ प्रैक्टिस के साथ बिल्ड होंगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए। आई होप कि अभी तक जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई हैं उनमें मैं ऐसे का स्ट्रक्चर आपको ठीक से समझा पाई हूँ। इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसे के बारे में यही सब था, और इंशाल्लाह अगली सीरीज मेरी IR से रिलेटेड लेक्चर्स पे होगी, ठीक है। तो उसको जरूर देखिए, वो आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। दैट वाज ऑल फ्रॉम द SS साइड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।